रिटर्न टाइम में ना आपको मैं काफी और चीजें भी बता देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जरूरी है, ठीक है, कि इसमें कुछ सीक्रेट होता है वो जानना जरूरी है। जैसे मैं क्या करता हूँ, एक डेट एंटर करता हूँ, टुडे की डेट एंटर करने के लिए कंट्रोल सेमी कॉलन जो है शॉर्टकट है आज की डेट के लिए, कंट्रोल शिफ्ट वही बटन दबाएंगे तो आपका करंट टाइम एंटर कर देगा, ठीक है। इसी तरह से आपके पास टुडे का फॉर्मूला है करंट डेट के लिए, एक नाउ का फॉर्मूला है जो कि करंट डेट और टाइम दोनों रिटर्न करता है, ठीक है। एंटर, उसके अंदर क्या एंटर करना है? सिर्फ नाउ बोल के छोड़ देना है? हाँ, नाउ करके डबल ब्रैकेट, ओके ठीक है जी। तो ये फॉर्मूले होते हैं, ये शॉर्टकट होते हैं। अब देखिए एक चीज क्या होता है ना, कि अगर मैं यहां से ये है ना, इसको कर दूं जनरल और इसको कर दूं जनरल, इन दोनों को भी कर देता हूं जनरल, तो क्या क्या दिख रहा है आपको? यहां कुछ नंबर दिख रहे हैं, जहां डेट है वहां कुछ नंबर दिखेंगे, या टाइम है वहां पॉइंट के बाद कुछ नंबर दिखेंगे। डेट है तो नंबर, या टाइम है वहां, यहां डेट एंड टाइम दोनों है तो नंबर डेसिमल और फिर वो पॉइंट वाला जो भी था, है जी। देख पा रहे हैं सर? हाँ, हाँ, बेसिकली क्या होता है कि एक्सेल डिनोट करता है होल नंबर को डेट से। मान लीजिए अगर मैं एक लिख के इसको डेट में कन्वर्ट कर दूं, यहां से डेट चूज कर लूं, तो ये डेट दिखा देगा, ठीक है जी। और यहाँ 0.25 कोई भी टाइम कर दूं, तो ये क्या दिखा देगा? टाइम दिखाएगा, ठीक है जी। ये ऐसे ही नहीं दिखा रहा, हर एक चीज का मतलब होता है। तो जब मैंने एक एंटर किया तो ये मुझे दिखा रहा है 1 जनवरी 1900। एक्सेल की डेट्स जो है वो इसी डेट से चालू होती है। और ये 41,926 का मतलब हुआ 1 जनवरी 1900 से लेकर अब तक 41,926 दिन हो चुके हैं, अच्छा, ठीक है सर। ये नंबर का मतलब होता है इसका। तो इसी तरह से अगर मैं इसी नंबर में मैं कोई भी कैलकुलेशन कर सकता हूँ, होल नंबर में प्लस करता हूँ, ठीक है जी, इसको डेट में कन्वर्ट कर देता हूं तो 2 दिन बाद की डेट आ गई, यानी 2 दिन प्लस हो गए, है जी। तो बेसिकली हम डेट में डायरेक्ट इक्वल टू लगा के प्लस माइनस कर सकते हैं फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है जी। यही चीज हम टाइम के साथ करना चाहें तो क्या होगा? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब टाइम 0 पॉइंट है, पॉइंट में ही टाइमिंग दिखा रहा है, तो 1 में कैसे हो सकता है? मतलब जो भी अगर 2 प्लस करूंगा तो 2 पॉइंट कुछ दिखाएगा ना, तो वो डेट में चेंज हो, हाँ ये टाइम में नहीं होगी, तो आप टाइम में प्लस नहीं कर सकते इस तरह से। अच्छा, मान लो फिर भी करनी है तो कैसे करेंगे, क्या फंडा है इसके लिए? तो मान लीजिए 10 बजे हैं, 10 AM सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है। अब इसमें मुझे जोड़ने हैं 2 घंटे, तो 2 घंटे कैसे जोड़ूंगा? इक्वल टू क्या, इसको सिलेक्ट किया, प्लस किया, और इसमें आपको पता है कि जो भी टाइम ले रहा है वो डेसिमल्स में ले रहा है। टाइम मतलब एक का मतलब हो गया 24 घंटे, ठीक है जी, एक का मतलब हो गया 24 घंटे। तो 2 घंटे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइडेड बाय 24 करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब इसको मैं टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूं, क्या हुआ, 2 घंटे जुड़ गए सर, हाँ ठीक है जी। अब मान लीजिए मुझे इसमें मिनट जोड़ने हैं, 2 मिनट जोड़ने हैं, कैसे जोड़ूंगा? यहां मुझे और गहराई में जाना पड़ेगा, डिवाइड तो होगा पर 24 x 60 करके होगा, ठीक है जी।
मिनट जुड़ गए, मान लीजिए इसको सेकंड में भी इंपैक्ट देखना चाहते हैं, तो दोनों का मैं फॉर्मेट जो है सेकंड वाला चूज कर लेता हूँ, टाइम में जाके सेकंड वाला फॉर्मेट गिरा, तो ये सेकंड वाला फॉर्मेट। अब मान लीजिए मुझे 2 सेकंड जोड़ने, तो सेकंड के लिए क्या जोड़ूंगा, 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मतलब मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड जुड़ गए। तो इस तरह से आपकी डेट टाइम की कैलकुलेशन की जाएगी, ठीक है जी, मैन्युअली अगर करना चाहें तो, ठीक है सर। अब चलते हैं फॉर्मूले की तरफ, फॉर्मूले देखते हैं कैसे लगते हैं डेट टाइम के फॉर्मूले। तो सबसे पहले हमारे पास मान लीजिए ये डेट है, अब इसमें मुझे डे निकालना हो तो मेरे पास डे का फॉर्मूला है, ठीक है जी, 14 अलग हो गया। मंथ निकालना हो तो मंथ का फॉर्मूला है, सिलेक्ट किया मंथ निकाल दिया, ईयर निकालना हो तो ईयर का फॉर्मूला, ठीक है जी, अलग अलग हो गए। वापस कंबाइंड करने हो तो डेट का फॉर्मूला है, इसमें सबसे पहले क्या लेता है, ईयर, ईयर कॉमा मंथ कॉमा डे, ठीक है, वापस वही डेट, ठीक है जी। तो डे को कंस्ट्रक्ट और डिस्ट्रक्ट करने का तरीका है, ठीक है जी। अब इसमें कैलकुलेशन करते हैं, मुझे क्या करना है, इस डेट में 2 दिन जोड़ने हैं, तो आपको पता है नॉर्मल चल जाता है, 2 दिन 2 महीने जोड़ने हैं और 2 साल जोड़ने हैं, ठीक है जी, डे मंथ ईयर और ये डेट का फॉर्मूला, ठीक है। तो डे जोड़ना तो आसान है, पर 2 महीने कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि तो महीने में क्या है कि क्या आइडिया लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60 तो चलेगा जी। तो मंथ को जोड़ने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ई डेट, ठीक है, किसी भी डेट में जैसे ये डेट है, इसमें मैं मंथ जोड़ना चाहता हूं तो बस वो दे दूंगा, डेट के साथ 2 आगे जोड़ दूंगा, वो आगे आ जाएगा, ठीक है जी, 2 महीने जुड़ गए। ईयर जोड़ने हैं तो ई डेट भी यूज कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 सिंपल वाला फंडा, ठीक है जी, तो 2 साल जोड़ गए। और क्या कर सकते हैं, एक तो ई डेट हो गया, दूसरा क्या कर सकते हैं, हम इसी डेट का फॉर्मूला कैरी कर सकते हैं, कैसे, पहले इस डेट में से क्या निकाल लेंगे, ईयर, यही फॉर्मूला लगा दिया, या तो ऐसा करते हैं ईयर यहीं से यहां से ही चूज कर लेते हैं, यहां से डेट का फॉर्मूला लगाया, ईयर यहां से चूज किया, प्लस क्या करना है, ईयर ये चूज कर लिया कॉमा, तो ईयर के अंदर मैंने एक फॉर्मूला फिट कर दिया। अब मंथ है, मंथ सिलेक्ट किया, प्लस में मैंने मंथ ये चूज कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्ट भी कर रहा है डेट को, देन डे में मैंने ये चूज किया, अब प्लस में मैंने डे भी दे दिया, तो जहां जो आपको करना है वो आराम से कर सकते हैं, 2 साल 2 महीने 2 दिन, ठीक है सर, सही। चाहे तो इसको एक ही फॉर्मूला बना सकते हैं, ये जो ईयर मंथ के फॉर्मूले आप यहाँ ही खुद लगा सकते हैं, जैसे यहाँ लगा देता हूँ, इकट्ठा लगा सकते हैं, ईयर का फॉर्मूला, इसमें से ईयर निकाल लिया, प्लस यहाँ से चूज कर लिया ईयर को, देन मंथ का इसी तरह से मंथ निकाल दिया यहाँ यहाँ से और प्लस कर दिया मंथ, देन डे का फॉर्मूला, डे यहाँ से निकाल दिया और प्लस कर दिया डे को नीचे, ठीक है जी, वो भी काम कर जाएगा, एक ही फॉर्मूला, ठीक है जी। तो डे का फॉर्मूला कुछ इस तरह से वर्क करता है। जो हमारी हेल्प करते हैं, अब मान लीजिए आपको
ऊपर के लिए निकाल रहे हो। एक सेकेंड यार, एक सेकेंड सर। हाँ जी, एक सेकेंड। अच्छा अच्छा हाँ, एक्सेल शीट में दे दूंगा, वो पिछले वाले की लॉस्ट हो गई थी, इसकी वाली मैं दे दूंगा। अच्छा, उससे पहले वाले के नहीं भेजे ना, उससे पहले के दो थे वो भी नहीं भेजे। हाँ जी हाँ जी, ठीक है सर। तो एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ हमने कैसे किया इसके अंदर। या ये तो हमने शुरुआत की कि डेट टाइम फॉर्मूला से, कि जो हमारी डेट्स होती है वो इस तरह से नंबर में दिखाता है। अगर आप एक से शुरू करते हैं तो उसको डेट फॉर्मेट, वो 1 जनवरी 1900 से इसकी डेट शुरू होती है, ठीक है जी। टाइम हमेशा डेसिमल में होता है, यानी एक अगर हम यूज कर रहे हैं 1, तो वो है 24 घंटे के लिए। तो 24 से डिवाइड करेंगे तो हम घंटे में काम कर सकते हैं। 24 × 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट्स में कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई बाय 60 और करते हैं तो हम आवर्स में कर सकते हैं। डेट को हम डायरेक्टली प्लस माइनस कर सकते हैं क्योंकि वो एक न्यूमेरिक वैल्यू ही होती है, ठीक है जी। देन हमारे पास जो फॉर्मूला था डेट टाइम के लिए, डे निकालने के लिए डे का फॉर्मूला, मंथ निकालने के लिए मंथ का, ईयर निकालने के लिए ईयर का, कंबाइंड करने के लिए वापस डेट का है, जिसमें पहले अपना ईयर मंथ और डे होता है, ठीक है जी। सही। देन अगर हमें उसमें कुछ प्लस माइनस करना है, मंथ अगर जोड़ना है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ई डेट का है, जिसमें पहला पैरामीटर डेट लेता है और आप उसमें मंथ दे सकते हैं कि कितने मंथ आगे का चाहिए। अगर आप ईयर जोड़ना चाहते हैं तो जो भी ईयर लिखेंगे वो मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा। सेकंड फॉर्मेट में मैंने आपको बताया कि जो डेट ईयर वगैरह निकालते हैं, तो ईयर यहाँ से निकाल के हम डे को डे में प्लस कर सकते हैं, मंथ को मंथ में प्लस कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमने वीक डे का फॉर्मूला जाना था कि वीक डे नेटवर्क डेज और वर्क डे। नेटवर्क डे वर्क डे आपके वर्किंग डेज को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट सैटरडे संडे। देन आपके पास टाइम का फॉर्मूला था आवर मिनट सेकंड करके, जिससे हम किसी भी टाइम से आवर मिनट सेकंड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और कंबाइन करने के लिए वापस टाइम का फॉर्मूला, ठीक है जी। देन ओवर टाइम के लिए मैंने आपको कैलकुलेशन दिखाई, जिसमें मैंने आवर का फॉर्मूला यूज किया, आवर माइनस आवर किया और उसको माइनस 8 कर दिया, 8 घंटे के बाद का जितना भी कैलकुलेशन हो चाहिए वो मल्टीप्लाइड बाय 50 हो जाए। तो मैंने वो फॉर्मूला आपको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है जी। एक और चीज होते हैं, जैसे हम गवर्नमेंट के फॉर्म भरते हैं, वो फॉर्मूला आपकी लिस्ट में भी नहीं है पर आपको यूज पड़ेगा। वो होता है कि जैसे सरकारी फॉर्म भरते हैं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, अब कहते हैं कि इस तारीख तक कैंडिडेट जो है 25 साल का पूरा होना चाहिए, या इस डेट तक आपकी कितनी एज हुई, ठीक है जी, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैं देखता हूँ कि आज की डेट में मेरी उम्र अगर मुझे कैलकुलेट करनी है, जाननी है कितने साल कितने महीने कितने दिन का हो गया मैं, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है जी। तो स्टार्ट डेट एंड डेट हो गई हमारे पास, फॉर्मूला है अपने पास डेटेड एफ का, ठीक है जी। इसका कोई पैरामीटर नहीं दिखाता, तो ये याद रखने वाली चीज है कि स्टार्ट डेट एंड डेट आपकी आ जाएगी। अब आपने निकालना है ईयर, तो इसमें कर देंगे वाई इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है जी, तो ईयर आ गया। देन आपको मंथ निकालना है, तो डेटी डेट का फॉर्मूला फिर लगाएंगे, स्टार्ट डेट एंड डेट, मंथ निकालना है। अगर मैं खाली एम लिख दूं तो इसमें क्या होगा, एक टोटल मंथ दिखा देगा, इस डेट से इस डेट के बीच के टोटल मंथ जितने थे, पर मुझे चाहिए कि ईयर कंप्लीट होने के बाद कितने मंथ हुए, तो इसके लिए फॉर्मेट का कोड क्या है, वाई एम ईयर आफ्टर मंथ के, ठीक है जी। तो अभी तो कोई भी महीना कंप्लीट नहीं हुआ, अगर 17 से देखें तो 17 अक्टूबर अभी तक नहीं आया, तो महीना कोई कंप्लीट, इसलिए 0 देखा। इसी तरह से हमें डेज चाहिए, अगर हम डेटेड इफ में डी लगा देंगे तो वो किसी डेट के बीच के डेज दे देगा, ठीक है। खाली डे लगाते हैं, डी लगाते हैं तो डेज दे देगा 10254,
पर यहाँ क्या करें, क्या चाहिए हमें, मंथ कंप्लीट होने के बाद डेज, तो एमडी लगाए तो 28 डेज दिखा, ठीक है। अगर मुझे चाहिए कि ईयर जब से स्टार्ट हुआ इस डेट के बाद पूरा साल कंप्लीट होने के बाद, मंथ स्किप करें, साल कंप्लीट हो जाए उसके बाद कितने दिन हो, तो वाईडी का फॉर्मेट लगता है। तो ईयर कंप्लीट होने के बाद भी 28 ही दिन हुए, ठीक है जी, क्योंकि जीरो मंथ, तो ये फॉर्मेट लगता है। अगर आपको फॉर्मूलाज की इनकी आप याद रखने में दिक्कत है इनको, तो एक साइट का रेफरेंस लिख सकते हैं, अपने पास नोट कर सकते हैं, वो है अपनी टेक ऑन द नेट, टेक ऑन द नेट गूगल पे करेंगे तो आपके ये साइट आ जाएगी। इसमें आपको एक्सेल के सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। आपको कहाँ जाना है, यहां से एक्सेल में जाना है, और एक्सेल में एक्सेल फंक्शन, एक्सेल फंक्शन में हम देखेंगे वर्कशीट फंक्शन लिस्टेड बाय कैटेगरी। कैटेगरी में क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग फंक्शन कौन से हैं, टेक्स्ट वाले, मैथमेटिकल कौन से हैं, स्टैटिकल कौन से हैं, लॉजिकल कौन से हैं, इंफॉर्मेशन कौन से हैं, डेट टाइम कौन से हैं। तो हम डेट टाइम का देख रहे थे, और इसमें है हमारे पास डेट ही डेट। किसी भी फंक्शन पर क्लिक करेंगे तो उसकी सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। और ये था फॉर्मेट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। ओके, कैसे लगना है वो भी दिया हुआ है यहाँ पे, उसका रिजल्ट क्या। तुम्हारे YouTube का वीडियो जब भेजते ना, जब ये लिंक भी कॉपी कर दो ना उसमें। ठीक है सर, मैं ये लिंक भी कॉपी कर दूंगा आपको, ठीक है सर। तो इस लिंक पे आपको बहुत सारे मतलब फॉर्मेट मिल जाएंगे, एक्सरसाइजेस मिल जाएंगे फॉर्मूला रिलेटेड, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला कहीं भी दिक्कत हो तो आप कैटेगरी वाइज इसको देख सकते हैं, अल्फाबेटिकली भी सॉर्ट कर सकते हैं। हर फॉर्मूले का इसमें रेफरेंस है, मिसलीडिंग नहीं है। हाउ टू जनरेट ऑटो नंबर इन एक्सेल, ठीक है। तो इस तरह के फॉर्मूले हैं, लुकअप एंड रेफरेंसिंग के जो फॉर्मूले बताए थे वो भी हैं इसके अंदर, ठीक है। सारे फॉर्मूले मैंने जो अब तक बताए वो सब इसके अंदर मिल जाएंगे। ओके, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप चाहें तो अब थोड़े से मैथमेटिक फॉर्मूला कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले सारे तो मैं आपके टाइम में कवर नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि हमें और चीजें भी करनी। तो अब बताइएगा फॉर्मूले, आज के मैं फॉर्मूले थोड़े बहुत दिखा देता हूँ, बाकी मैं आपको आगे उस पर शिफ्ट कर दूंगा, फाइव चार्ट्स वगैरह, ठीक है सर। आज क्या आज फॉर्मूले ही करना क्या, जैसा बोले आप। अब आगे क्या करना है आप चूज कर सकते हैं। ये ट्रेस डिपेंडेंस, ट्रेस ट्रेस प्रेसिडेंस, ये क्या है। अच्छा, ये ट्रेस डिपेंडेंट ट्रेस प्रेसिडेंस बहुत सिंपल चीजें हैं, कुछ इनका वैसे कहीं तो यूज है भी और नहीं भी। जैसे मैंने यहाँ लिंक लगाया और ये वैल्यू ले ली, ठीक है जी। तो मैं कहता हूँ कि ट्रेस प्रेसिडेंट मतलब इसमें लिंक कहाँ का लगा हुआ है, तो ये उस पर दिखा। अच्छा, अच्छा, कि आपने ये सेल का लिंक यूज किया, ठीक है जी। ओके ओके, रिमूव एरो। मैं कहूंगा ये तो आसान था कि आपको जानना कि कौन सा कहाँ लगा हुआ है, क्योंकि आप यहाँ से भी देख सकते हैं, पर ये सेल कहाँ कहाँ यूज हुई है ये नहीं देख सकते आप, है ना। तो इसके लिए ट्रेस प्रेसिडेंट करेंगे, ट्रेस डिपेंडेंट करेंगे कि इस सेल पे डिपेंडेंट सेल्स कौन सी है, तो आपको एरर दिखा देगा। जहां जहां भी आपने यूज करी होगी वो सब आपको दिखा देगा, जहां जहां भी आपका फॉर्मूले में यूज हुआ होगा, कहीं भी किसी जगह पे इसका रेफरेंस अगर यूज हुआ होगा तो ट्रेस डिपेंडेंट करेंगे इसका, तो ये आपको दिखा देगा कि यहाँ आपने यूज कर रखा। पर ये सेम शीट के लिए होता है, आप अलग शीट पे कहीं यूज किया होगा तो उसकी कोई गारंटी नहीं लेता है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा आपको ये नहीं पता पड़ता कि आपने फॉर्मूले कहाँ लगाए हैं और वैल्यू कहाँ लिखी है, एक साथ देखने हैं आपको कि कौन कौन से सेल में फॉर्मूला पड़ा है। तो यहाँ पे आपका है शो फॉर्मूला, ठीक है जी। जहां जहां फॉर्मूला यूज होगा वो फॉर्मूला दिखा देगा, ठीक है सर। अच्छा अच्छा, इसको दोबारा क्लिक करूंगा तो नॉर्मल हो जाएगा।
इसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल टिल्ड, जो हम जनरल फॉर्मेट के लिए यूज कर रहे थे ना, वो कर रहे थे कंट्रोल शिफ्ट के साथ, ये खाली कंट्रोल के साथ है। ठीक है सर, सही है। बाकी तो और इसमें कुछ खास नहीं है, जैसे वॉच विंडो है, वॉच विंडो में आप वॉच करने के लिए लगा सकते हैं, कोई एड वॉच मैं लगाता हूँ कि यहाँ लगा देता हूँ वॉच, या इस डेट पे लगा देता हूँ, ये इस डेट पे एड वॉच, इसका यहाँ पे मैं वॉच ऐड कर सकता हूँ। ये क्या करेगा, नजर रखेगा ये फॉर्मूला क्या रिजल्ट दे रहा है। मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू हो गई चेंज, यहाँ पे आपको एक ऐसी जगह बनाना, समरी जैसे बना के रखना कि यहाँ पे क्या क्या चेंजिंग आ रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है जी, क्या फॉर्मूला चल रहा है, क्या वैल्यू चल रही है। ठीक है सर, ओके। तो हालांकि इसका यूज हम लोग करते हैं प्रोग्रामिंग में, यहाँ तो सर्च करना आसान है, मैक्रो में ये प्रोग्रामिंग में जहाँ वेरिएबल यूज करते हैं वहां पे इसको यूज किया जाता है। वॉच विंडो नेम मैंने यार वो लेफ्ट वाले विंडो, हाँ जी हाँ बोलो 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 बोलो। नेम मैनेजर है एक हमारे पास डिफाइंड नेम करके ग्रुप है, तो ये किस लिए यूज होता है। देखिए आप उस सेल्स को जानते हैं, अभी J7 करके, A2 का F3 करके, इसे F8 करके, आप चाहें तो किसी सेल का नाम चेंज कर सकते हैं, तो ये आपका नेम मैनेजर के अंतर होता है। मान लीजिए मैंने VLOOKUP के लिए कोई डेटा बनाया और इसको बार बार मुझे सिलेक्ट करना है, डॉलर का कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ता है, मैं चाहता हूँ इतना मुश्किल ना रहे मेरे लिए। ठीक है जी, मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे नाम चेंज कर दिया इसका एज ए डेटा, ठीक है जी, एंटर कर दिया, तो अब इसका नाम डेटा हो गया। अब जहां पे भी मैं डेटा लिखूंगा इसका मतलब है कि ये, ठीक है जी, अच्छा तो ये हो जाता है नेम, यहाँ मुझे डॉलर लगाने की जरूरत नहीं, मैं ड्रैग कर सकता हूँ, कोई चेंजिंग नहीं होगी। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे भी देख रहा हूँ तो रेंज यही रहेगी, कहीं भी यूज करें, ठीक है जी। VLOOKUP पे अच्छा खासा यूज कर सकते हैं आप, वहां ऐसे रेंज सिलेक्ट करने की बजाय इसको नाम दे दीजिए और आप यूज कर सकते हैं। देन ओके, डिफाइन नेम में क्या है, यही मैनुअल प्रोसेस है कि नेम क्या रखना चाहते हैं आप और उसका सिलेक्शन जो भी दे सकते हैं। ठीक है जी, ये नेम है। बाकी नेम मैनेजर के अंदर जितने भी नेम आपने डिफाइन किए होंगे वो कहाँ रेफर कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, जितने होंगे अवेलेबल दिखा दे, एडिट डिलीट कर सकते हैं आप इसको, मैंने डिलीट कर दिया। नेम मैनेजर इसलिए यूज होता है। ठीक है सर, सही। इसमें और कोई आप पूछना चाहें, वैसे तो ये फॉर्मूले में इतना ही होता है। या ये लेफ्ट साइड ऊपर वो सेव के बाजू वाले का बटन के बारे में बोलते बोले थे ना, इस वाले का नहीं नहीं उसके बाजू वाले लेफ्ट साइड, ये ऑफिस बटन, हाँ एक्सेल ऑप्शंस, वो है क्या एक्सेल ऑप्शंस वाला, कौन सा है, हाँ ये कौन सा है, ये ऑफिस बटन ही है ना, ऑफिस बटन है सर। आप वर्जन कौन सा यूज कर रहे हैं, 2007 ऑफिस बटन के नाम से, बाकी मैं 2013 या 10 में ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है फाइल के नाम से। हाँ ओके यार, ठीक है जी, तो आपके पास कौन सा वर्जन है? मेरे पास 10 है शायद। हाँ तो 10 और 13 में ये फाइल का बटन आपको दिखाएगा अभी स्क्रीन। हाँ तो उसमें एक्सेल ऑप्शंस किधर रहता है? इसमें एक्सेल ऑप्शन आप देखेंगे तो यहाँ ऑप्शन है, ठीक है जी, हरी पट्टी से खुल जाती है ना, लास्ट वाला वही है ये। अच्छा इधर है क्या, ओके ओके। हाँ जी, उसमें जैसे कस्टम लिस्ट जो है वो आपका एडवांस के अंदर चला गया है, ये एडिट कस्टम लिस्ट, डेवलपर बार है, आप कस्टमाइज रिबन से ले सकते हैं, यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसके बारे में समझाना चाह रहे थे ना, ये मतलब इसका भी कुछ है बोले थे ना क्लास,
हाँ इसका 2013 के थोड़े से ऑप्शन बता देता हूँ आपको, ठीक है जी। आपका कौन सा 13 है क्या? हाँ जी हाँ आपका 13 है क्या एक्सेल? जी, ये 13 भी है मेरे पास, दोनों वर्जन पर है। 10 नहीं रखा क्योंकि 10 और 13 एक ही जैसे हैं लगभग, बट 10 में आपके मोस्टली 2007 वाले फीचर्स काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सेम ही है आपका, ठीक है जी। अब जैसे 13 के न्यू फीचर्स आए हैं तो वो क्या क्या आए हैं वो आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं। जैसे कि मैंने आपको टेक्स्ट के फॉर्मूला दिखाए थे, वो मिडल नेम फर्स्ट नेम हमने बहुत ही करे थे ना, हाँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और तो फर्स्ट नेम मिडल नेम आपने देखा था मैंने बड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगाया था, पर अगर आप एक्सेल 2013 के साथ ये काम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। कैपिटल में करने के लिए मैंने अपर लोअर प्रॉपर का फॉर्मूला बताया था, अगर मान लो आपको कैपिटल में करना है तो आप यहाँ पे इसको कैपिटल में लिख दीजिए बस, ठीक है जी। पहला लिख दिया, देन मैं क्या दबाऊंगा, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल लिखिए, कंट्रोल एंटर मतलब सेम सेल सिलेक्टेड रहेगी, कंट्रोल ई जो है मेरा फ्लैश फिल है, ठीक है जी। अब देखेंगे कि सारी लिस्ट मेरी कैपिटल में बदल चुकी है, ठीक है जी, अपने आप कोई विदाउट यूजिंग एनी पावर। देन मैं चाहता हूं कि मैं एब्रीवेटेड नाम लिखना चाहता हूं, संदीप कुमार सिंह की जगह एस के सिंह लिखना चाहता हूं कैपिटल में, मैं क्या करूंगा इसके सामने लिखूंगा एस स्पेस के स्पेस सिंह, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल ई, ठीक है जी। काफी हद तक ये सही करेगा, अब इसमें के यू सिंह करके दिखा रहा है तो इसका मतलब पैटर्न गड़बड़ है, तो नीचे वाले में क्या करेंगे उसका सही पैटर्न दे देंगे, देन कंट्रोल एंटर कंट्रोल ई करेंगे, तो ये इसके हिसाब से प्रिंट कर देगा, ठीक है। मतलब अगर एक सजेशन काम नहीं करता है तो आपको दो तीन बार आप उसमें बता सकते हैं कि ये चीज जैसे इसमें नहीं आया। अब मुझे इसमें मिडल नेम निकालना है, फर्स्ट नेम निकालना है, तो मैं खाली संदीप लिख के कंट्रोल एंटर कंट्रोल ई कर दिया, फर्स्ट नेम आ गया। मिडल नेम निकालना है तो मैंने कुमार लिख के कंट्रोल एंटर कंट्रोल ई कर दिया, ये आ गया। यहाँ पे मैंने सिंक किया, कंट्रोल एंटर कंट्रोल ई, ठीक है जी, अलग अलग आ गए। तो बहुत ही अच्छे फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं फ्लैश फिल के अंदर, जो अपने आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जैसे एस डॉट के डॉट से इस तरह से कंट्रोल एंटर कंट्रोल ई, ठीक है जी। तो आपको फॉर्मूलों की जरूरत इसमें कम पड़ती है, आपका वैसे ही काम होने लग जाता है मैन्युअली, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, ठीक है। तो ये एक फीचर तो ये है रैप फ्लैश फिल जो आपको यहाँ पे दिखाता है ये राइट में, ये अंडू फ्लैश फिल एक्सेप्ट सजेशन, ठीक है, सेलेक्ट ऑल टू चेंजेस, तो ऑप्शन दिखा देता हूँ। दूसरा कोई भी टेक्स्ट आप सिलेक्ट करते हैं तो एक और बटन आपको नीचे दिखाता है जिसे कहते हैं क्विक एनालिसिस, कंट्रोल क्यू से एक्टिवेटेड होता है, ठीक है जी। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपके नीचे ही दे देता है, जैसे फॉर्मेटिंग के, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हो गए, डुप्लीकेट वैल्यूज, यूनिक वैल्यू, इक्वल क्लियर फॉर्मेट, चार्ट्स लगाने हैं तो चार्ट्स के आपको कुछ दे देता है, टोटल करना है तो काउंट वगैरह आपके बगल में दिखा रहा है आप देखें, ठीक है, बहुत सारे पहले से ऑप्शन दे देता है। टेबल्स, फाइव टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं या नॉर्मल टेबल में, तो ये आपको दिखा रहा है उसके ऑप्शन। मान लीजिए अगर यहाँ पे कुछ डेटा टाइप का हो तो ये आपको उस तरह से वैल्यू भी दिखाएगा, जैसे यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देते हैं, ठीक है।
अब मैं कंट्रोल की यू दबाऊंगा तो ये अपने आप आपको इसके भी ऑप्शन दे देता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के। पहले से ही चार्ट लगाना है आपने तो आपका टेन डिफरेंट चार्ट का सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको बने बने दिखाना है। टोटल करना है तो सम एवरेज काउंट परसेंटेज ऑफ टोटल रनिंग टोटल सम और भी है, ठीक है जी, एवरेज जो भी आप करना चाहें आपको पहले से देता है टेबल में, जैसा मैं दिखा रहा था इसमें स्पार्कलिंग्स बार चार्ट जो है इस तरह से आपके चार्ट भी बना के देता, ठीक है जी। तो ये आपको एडिशनल ऑप्शन दे देता है इसके, इसे ये पूरा सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल की। हालांकि आपको जितने ज्यादा आपके डेटा में ऑप्शन होंगे, पाइवट टेबल का दिखा दिया, तुरंत दिखा दिया और इसमें आपको करना कुछ नहीं, खाली क्लिक करना है टेबल में दिखा के, पाइवट टेबल में दिखा रहा है ये वाला, तो आपने पाइवट टेबल पे क्लिक कर लेना है बस, टेबल पाइवट टेबल में दिखाया ये क्लिक कर दिया आपने, पाइवट टेबल लग के आ गई वैसे, अवेलेबल ऑप्शंस आपको दिखा देगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज्यादा टेक्निकल नहीं होना पड़ता है। मान लीजिए अब पाइवट टेबल और चार्ट्स में भी हमारे ऐसे ही ऑप्शन आए, तो इसमें इंसर्ट में ले गए तो यहाँ पे रिकमेंडेड पाइवट टेबल है, रिकमेंडेड पाइवट टेबल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कितनी तरह की टेबल हो सकती है वो दिखा देगा, ठीक है। मान लीजिए इसमें एक सिटी भी लेता हूँ मैं, ये भी ले ली मैंने, तब अभी एक ये थोड़ा सा अलग डेटा बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, रिकमेंडेड पाइवट टेबल पे क्लिक करता हूँ तो जितने टाइप के बन सकते हैं वो आपको दिखा देगा, यहाँ आप एम्प्लॉय वाइज बना रहे हैं, यहाँ आप सिटी वाइज बना रहे हैं, जिस पे क्लिक करेंगे वो बन के आ जाएंगे, ज्यादा आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। इंसर्ट में जाते हैं, इसी तरह से आपके चार्ट भी आ जाते हैं रिकमेंडेड चार्ट, तो जितने चार्ट जितने टाइप के बन सकते होंगे ये आपको दिखा देगा, पहले से प्री फॉर्मेटेड चार्ट्स और टेबल्स होगा, ठीक है। चार्ट्स में एक एडिशनल ऑप्शन आया है, इसमें आपको फिल्टर दे दिया गया चार्ट, जिसके अंदर आप डेटा को फिल्टर कर सकते हो, ठीक है जी। जो जो नहीं चाहिए उस पर अनक्लिक कर दीजिए तो वो आपको नहीं दिखाएगा, ठीक है सर। फिल्टर का ऑप्शन बहुत अच्छा आया है, तो वो 2013 मोस्ट ऑफ द आपको वर्क को बहुत आसान बना देता है। रिकमेंडेड चार्ट, रिकमेंडेड पाइवट। एक इसमें आया है आपका स्लाइसर, आप अपने डेटा को फिल्टर करते हैं स्लाइसर यूज करके, देखिए स्लाइसर में क्या करेंगे, स्लाइसर के लिए इसका टेबल होना जरूरी है, तो इसको मैं फॉर्मेट एज टेबल कर देता हूँ या कंट्रोल टी करके कर देता हूँ, फॉर्मेट एज टेबल ये रहा, टेबल में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब आप स्लाइसर का यूज कर सकते हैं, इसमें इंसर्ट स्लाइसर आपका डिजाइन के अंदर आ जाए, तो इसमें ये फिल्टर की तरह काम कर सकता है। तो जैसे मैं नेम का स्लाइसर ले लेता हूँ तो ये आपके विंडो आ जाती है, आप इसका डेटा देखना चाहें इसका देखना चाहें, ठीक है जी, यहाँ पे रिमूव करेंगे सारे दिखा देगा। एक और स्लाइसर इंसर्ट करता हूँ मैं, डिजाइन में जाके इंसर्ट सिटी भी कर देता हूँ, दो स्लाइसर हो गए, अब दोनों के हिसाब से डेटा मैं, ठीक है जी, दोनों जैसे दो जगह फिल्टर लगाते हैं, तो ये आपका डैशबोर्ड बनाने में बहुत हेल्पफुल रहता है, ठीक है। इस तरह के आप यूज कर रहे हैं तो बढ़िया है,
मान लीजिए कॉलम ज्यादा है तो आप यहाँ पे कॉलम भी यूज कर सकते हैं, उसमें स्लाइसर के अलग से फॉर्मेटिंग भी है कि क्या फॉर्मेटिंग यूज करनी है। फॉर्मेटिंग भी इनकी कर सकते हैं। दूसरा, कॉलम आपको ज्यादा चाहिए, मुझे दो कॉलम चाहिए तो दो कॉलम आ गए, ठीक है जी। तीन कॉलम चाहिए, तीन कॉलम आ गए, वैल्यू ज्यादा है। तो इस तरह से स्लाइसर्स को फॉर्मेट किया जा सकता है, ठीक है जी। स्लाइसर की तरह का ये एक टूल आया है अपने पास टाइमलाइन का। मैं क्या करता हूं, इसमें जहां भी आपकी डेट यूज होगी टेबल के अंदर ही डेट इंसर्ट करता हूं। डेट, और यहां पे कोई डेट डाल देता हूं, तो ये मैंने डेट्स डाल दी कुछ इसके। अब स्लाइसर की तरह ही ये भी है, तो आप टाइमलाइन यूज कर सकते हैं। तो इसमें डेटा इंसर्ट में टाइमलाइन टाइमलाइन टाइमलाइन, टाइमलाइन इंसर्ट स्लाइसर, इंसर्ट इंसर्ट टाइम, हाँ चला गया। वैसे टाइमलाइन मोस्टली आपका पाइवट टेबल वर्क करता है, ठीक है, उसमें नहीं करता। तो इंसर्ट, मैं इसको डेटा बना लेता हूँ सिटी और सेल्स का, ठीक है जी। अब इंसर्ट टाइमलाइन करता हूँ, टाइमलाइन में डेट ही आती है हमेशा। टाइमलाइन आपकी इस तरह से होती है, ये आपकी टाइमलाइन है। आपने जनवरी की सेल देखनी है, जनवरी पे क्लिक, ठीक है जी। आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करके कि ये एरिया है कितनी सेल रही है, ये एरिया है कितनी सेल रही है, ठीक है जी। एक्सपेंड कोलैप्स कर सकते हैं, ठीक है जी, क्लिक करके भी देख सकते हैं, ठीक है जी। ईयरली सेटिंग है तो आप ईयर यहाँ से ईयर चूज कर सकते हैं, मंथ ईयर क्वार्टर डेज, डेज में देखना तो डेज में डेली की सेल देख सकते हैं अगर होगी तो, ईयर में कर सकते हैं। यहाँ पे 2014 में क्या, 2015 में क्या, अलग अलग से, ठीक है सर। तो टाइमलाइन भी एक फिल्टर की तरह ही काम करता है, एक अच्छा टूल है ये भी, डैशबोर्ड क्रिएशन में आपके मदद करता है। इसके अलावा एक पावर पाइवट है जिसको मैं आपको कल दिखाऊंगा, ठीक है सर, पाइवट टेबल के साथ में एक ऑप्शन, या कल चार्ट करेंगे यार, पक्का कल, हाँ कर लेंगे सर, पर चार्ट से करेंगे, ठीक है सर, या ओके सर। पर थोड़े क्वेश्चंस है यार, हाँ जी सर, और एटलीस्ट 4 घंटे के तो टॉपिक्स है ना और दिखाने के, हाँ जी मेरे पास तो टॉपिक है अभी, तो मेरे पास तो 10-12 घंटे और दिखा सकता हूँ ज्यादा, हाँ तो ये 4-5 घंटे एक्सेल कर लेंगे, ये वीक एक्सेल कर देंगे, फिर अपन नेक्स्ट वीक से एक्सेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है सर। देखिए आपको आता ना एमएस एक्सेस, आता है पर काम करने लायक उतना ही आता है मेरे को, वीबीए वगैरह, हाँ काम काम करने लायक ही चाहिए यार, ठीक है सर। जिस तरह से मेरा वर्क है यार, मेरा डेट्स और टाइमलाइन से